दिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। मणिपुर विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग हुई शुरू। पहले चरण में 38 सीटों पर होगी वोटिंग। सीएम एन बीरेन सिंह ने भी किया मतदान और लोगों से करी वोट डालने की अपील। बिहार बजट 2022 आज दोपहर 2 बजे होगा पेश। बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद करेंगे बजट पेश। रीट के पहले लेवल का कट ऑफ हुआ जारी। जनरल में 130, ओबीसी में 127, एससी में 119 और एसटी में 110 रहा कट ऑफ। मार्च तक हो सकती है नियुक्ति। राजस्थान में 1512 टेक्निकल हेल्पर्स की निकली भर्तियां। 18 से 28 साल तक के 10वीं पास तक के लोग आज रात 12 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। 19,500 रुपए तक मिल सकती है सैलरी, वहीं 100 नंबर का होगा प्री एग्जाम। उल्टा पड़ सकता है रूस का दांव। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 10 दिन से ज्यादा चला युद्ध तो रूस हो जाएगा कंगाल। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि टर्की द्वारा दिए गए ड्रोन से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक्स और ट्रेन को किया बर्बाद। भारतीय छात्रों ने 10 घंटे तक पैदल सफर किया 50 किलोमीटर का। -4 डिग्री में यूक्रेन से पोलैंड की बॉर्डर तक गए भारत के छात्र। छात्रों का कहना, उन्हें इंडियन एम्बेसी से नहीं मिली कोई मदद। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी छात्रों के ऊपर दिखाई बर्बरता। श्रीलंका को तीसरा T20 हराकर भारतीय टीम ने बनाया लगातार 12 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रेयस अय्यर ने मारे 74 रन और बने मैन ऑफ द मैच। IPL 2022 का पहला मैच होगा 26 मार्च को। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा वानखेड़े स्टेडियम में पहला मुकाबला। शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर के वेडिंग बैश में लगाए सितारों ने 4 चांद। 21 फरवरी को फरहान अख्तर ने शादी करी थी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर से। कंगना रनौत का शो लॉकअप स्ट्रीम होने से पहले ही आया सुर्खियों में। हैदराबाद सिविल कोर्ट ने कॉर्पोरेट इशू के तहत लगाया शो पर स्टे। शो का कॉन्सेप्ट चुराने का है आरोप। तो कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।